ठाकरे कौन से बिल में बैठे थे, उन्होंने ये बताना है किसी के ऊपर इल्जाम लगाते समय जी, आपने ये याद रखना चाहिए पर्सन अमृतकाल के अंदर देश के 500 साल के कुशासन और 500 साल की लूट के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 140 करोड़ लोगों को कि अमृत काल में राज्य राम राम राज्य की स्थापना हुई जिसमें धर्म स्वाभिमान समृद्धि और सुरक्षा तीनों की गारंटी देने का काम हमारे देश के प्रधान हमारे देश सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी जिस दिन राम मंदिर बना सर मुझे लगता है जितने भी कार सेवकों ने अपनी जान उस दौरान गवाई जितने भी कार सेवक वहां पर थे उसमें एक कार सेवक हमारे राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी भी उस समय उस वहाँ पर थे उनका भी योगदान और जितने भी कार सेवक हैं उनको दिल से मैं प्रणाम करना चाहूँगी क्योंकि इस देश के युवाओं की आंखों में और जितने भी लोग उस दिन अयोध्या में थे उनके आंखों में आंसू थे तो सभी को इतना ही कहूंगी श्री राम मंदिर और काशी सिर्फ अध्यक्ष जी मुझे आपने कंटिन्यू करने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि भारत के 500 साल के वनवास के बाद देश को अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों को सौभाग्य मिला। 1526 से लेकर 1759 तक मुगलों ने देश को लूटा, 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने लूटा, 1947 से लेकर 2013 तक कांग्रेस ने देश को लूटा। सर ये जो देश लूटता चला गया स्वतंत्रता संग्राम के अंदर स्वराज पाने के लिए जहां देश में देशवासियों ने आहुति दी परंतु जो स्वराज करोड़ों लोगों को मिलना था वो एक खानदान के पास मिलकर रह गया, ये देश का दुर्भाग्य रहा। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक सिर्फ भ्रष्टाचार किया, नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक अगर मैं गिनवाऊं 48 में जीप घोटाला, मारुति कर्म घोटाला 74 में, 76 में तेल घोटाला, 86 में बोफोर्स घोटाला, 92 में हर्षद मेहता घोटाला, 94 में सुगर इंपोर्ट घोटाला, 5 में ऑयल एंड फूड घोटाला, 2008 में 2G घोटाला, 2009 में सत्यम घोटाला, कैश पर कोर्ट घोटाला, 10 में कॉमनवेल्थ घोटाला, देवोस एनेक्स स्कैम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2012 में कोल घोटाला, 13 में शारदा चिटफंड घोटाला, 14 में इनेक्स मीडिया घोटाला, रेलवे में भर्ती घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 60 वर्षों में 60 लाख करोड़ की लूट जो इस देश में हुई है इसलिए श्वेत पत्र लाना पड़ा। मनीष जी कह रहे थे ये 14 में आना चाहिए, ये तो डिफरेंस दिखाना था ना कि तुमने 2010 साल में क्या कुकर्म किए और पिछले 10 वर्ष में देश को क्या मिला इसलिए श्वेत पत्र लाए गए दोनों का अंतर बताने के लिए। ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं टीएमसी शिक्षक भर्ती घोटाला चिटफंड घोटाला रोज वैली घोटाला शारदा घोटाला कोयला घोटाला आरजेडी चारा घोटाला रेल भर्ती में जमीन घोटाला बाढ़ राहत में घोटाला एसपी लैपटॉप घोटाला भर्ती घोटाला एनसीपी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला सिंचाई घोटाला अवैध खनन घोटाला बौने दुर्योधन की दिल्ली पे आ जाता हूँ लिक्वर स्कैम घोटाला दो दो मंत्री एक एमपी जेल में है दिल्ली कप घोटाला देश के अंदर शीस महल घोटाला 52 करोड़ का डीटीसी बस में घोटाला जल बोर्ड में घोटाला स्कूल में कमरे के निर्माण में घोटाला। इसलिए अध्यक्ष जी सुशासन के साथ साथ समृद्ध भारत बनना चाहिए ये नींव 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में रखी गई और भारत समृद्धा की तरफ बढ़ रहा है। सर आज 4 करोड़ गरीब लोगों को मकान देना युवराज कह रहे थे अभी मुझसे पहले संजय जी कह रहे थे एक बुढ़ा नौजवान युवराज 50 साल की उम्र में युवराज नौजवान वो कह रहे थे ओबीसी की बात वो ओबीसी के अर्थ को नहीं समझते अदर बैकवर्ड क्लास का मतलब है वर्ग वो किसी जाति से विशेष नहीं है जिसकी माँ अगर घरों में जाकर काम करती होगी उससे ज्यादा बैकवर्ड वो क्या होगा यही से अंदाजा लगाना चाहिए आपको। और वो कह रहे बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने गरीबों के लिए 13 करोड़ टॉयलेट बनाए पेंशन के रूप में 61 करोड़ लोगों को 36 के बदले में 61 करोड़ की दी बैंकों में 10,000 करोड़ से लेकर 51.6 करोड़ देने का काम हुआ जन औषधि जो 164 देश में थी सर 60 साल में वो 10,000 बन गई। सर मैटरनिटी बेनिफिट अगर 9 लाख महिलाओं को 53 डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता था आज पूरे देश के अंदर 3.6 करोड़ लोगों को दिया जाता है। मेट्रो 5 शहरों में होते थे 20 में 10 साल में बनकर तैयार हुए हैं। जल 3 करोड़ लोगों के घरों में था 13 करोड़ में हो गया। स्टार्टअप केवल 300 लोगों के पास था नौजवानों के 1 करोड़ 17 लाख लोगों के पास है। सर और मनीष जी की एक बात को और कहना चाहता हूँ किसान
किसानों के बहुत हितैषी बन रहे थे, किसानों के बात में कह रहे थे, गलत डेटा पेश कर रहे थे। एक मिनट की सर इजाजत केवल चाहूंगा मैं इस बात को लेकर कि मैं दोहराना चाहता हूं सर, मनीष जी को बताना चाहता हूं, कुछ पेज में छोड़कर आगे ये बता रहे थे 2014 में क्या भाव था। अरे भैया 2014 में मत बताते, 2004 में क्या रेट था ये बताना चाहिए था। 2004 में आपको देसी घी 140 में था, तुमने बढ़ाकर 400 किया, कितना परसेंट बढ़ा? आज केवल 500 रुपए किलो है। चावल 25 रुपए किलो था 2004 में, तुमने बढ़ाकर 100 रुपए किलो किया, आज केवल 110 रुपए किलो है। गेहूं का आटा 10 रुपए किलो था 2004 में, तुमने भ्रष्टाचार में बढ़ाकर 30 रुपए किया, आज केवल 38 रुपए है। वो सोना 6300 था, आज वो 27400 2009 में तुमने किया। दाल 8 रुपए किलो थी 2004 में, 87 रुपए में तुमने किया। 2004 में प्याज 10 रुपए किलो थी, 30 रुपए में तुमने बेची। 2004 में दूध 17 रुपए किलो था, आपने 48 रुपए किलो बेचा, आज तो 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसका एवरेज लगाइए। इसी प्रकार से पेट्रोल 2000 सर, पेट्रोल 2004 में 33 रुपए था, ये बढ़ाकर 78 तक ले गए। आज तो हो गया। सर दो रहा हूं तो ये अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, ये 15-15 लाख रुपए कहते हैं सर। मैं बताता हूं गरीब को 15 लाख रुपए कैसे मिला। मोदी साहब ने निकाह तुम्हारे खाते में डालेंगे, जब जनधन के खाते खुले थे ये कहा गया था ये नौटंकी की जा रही है। वो जनधन खाते खुलने के बाद आयुष्मान भारत से हर गरीब को 5 लाख, 2.5 लाख का घर बनाने का गरीब को दिया जा रहा 7.5 लाख, पीएम जीवन ज्योति के अंदर 2 लाख रुपए हर गरीब को मिलते हैं 10 रुपए में, पीएम सुरक्षा से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। मुद्रा बैंक क्या दिस हाउस विल कंक्लूड टिल द डिस्कशन इज ओवर। आई बिलीव द हाउस विल अलाउ विल अग्री विथ माय प्रपोजल। अधीर जी धन्यवाद।